कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन आज, ठीक है? मैं एक मिनट इस पर देख लूँ कि क्वेश्चन आपके फिर आ रहे हैं साथ साथ। तो अच्छा, आज हम क्योंकि लास्ट टाइम का कंटिन्यूशन ही है, तो थोड़ी सी और चीज़ें रेलिवेंट देख लेंगे उससे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसी के एक्सटेंशन है। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि इस पे दोबारा एक और सेशन कर ले, यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क मी। तो एक तो वही है, मैं इस पे पोस्टर पे देख रहा हूँ, चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और कोर्सेज और कंट्री, ये सारा कुछ था फॉर यूनिवर्सिटीज़ में। फिर थोड़ा सा एडमिशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग पूछ लीजिएगा। और साथ ओपन जो स्कॉलरशिप या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह की, फंडिंग्स की या हेल्प की थोड़ी सी। तो अभी जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैं उस पर आऊँगा। मैं फ़िलहाल आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि यूरोप में ऐसा है कि मैंने शायद लास्ट टाइम भी बात की, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं चार हैं, नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है और फिनलैंड है, ये चार हो गए। फिर बाकी यूरोप में अगर आए स्कैंडिनेविया से इस तरफ तो जर्मनी आता है और फ्रांस है, नदरलैंड्स है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया भी है। ये सात आठ जो कंट्रीज़ है ना, यानी चार स्कैंडिनेवियन और चार ये बाकी। इनमें ना पहले तो दो तीन साल पहले थे तो ऐसे था कि फ्री एजुकेशन थी तकरीबन, पीएचडीज और मास्टर्स के अलावा ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन थी। अभी भी है कुछ कंट्रीज़ में या कुछ कोर्सेज में फ्री है, लेकिन कुछ में ऐसे है कि उन्होंने ना फ़ी थोड़ी सी रख दी है, लेकिन वो भी फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग परस्यू करना चाहते हैं मास्टर्स या पीएचडी वाले में। फर्ज करें स्कॉलरशिप्स थोड़ी सी कम है या कॉम्पिटेटिव में बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिल रही लोगों को, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप एडमिशन करवाएं इन कंट्रीज़ में, जो भी आपका कोर्स है मास्टर्स का या पीएचडी का। मास्टर्स का ज़्यादा, मास्टर्स के रेफरेंस में ज़्यादा कह रहा हूँ। और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट ना शो करवाना पड़ता है, एक साल लट से, एक साल या दो साल का, 15 से 20 हज़ार यूरो का है। तो आप यहाँ से बैंक स्टेटमेंट से शो करवा दें, वो इसलिए क्योंकि आपको वीज़ा नहीं उसके बगैर मिलेगा। तो वंस यू गेट द वीज़ा, आप वहाँ पे लैंड कर गए तो चाहे यहाँ से आपने अगर किसी से पैसे उधार भी लिए हुए थे, फर्ज करें बोरो किए थे, यू कैन रिटर्न द मनी बैक। वहाँ पे रहने के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन ईजिली डू अ पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वीकेंड जॉब कह लें, दो दिन के लिए, सैटरडे संडे ऑफ होता है यूरोप में। आप करके आसानी से ना डेढ़ दो साल का मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के ऊपर है कि जब आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट आता है तो देन द प्रोजेक्ट जिस प्रोफेसर के पास, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही प्रोफेसर आपको ना फंडिंग दे देगा उसी प्रोजेक्ट को परस्यू करने की, कि एक तरह से आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट ही आगे पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको कोई पेपर भी आया, या इवन यू हैव गुड रिजल्ट एंड गुड प्रोजेक्ट एक्सपर्टिंग, ये स्किल्स लर्न की हैं, तो वो प्रोफेसर या उस ग्रुप में कोई प्रोफेसर या उस डिपार्टमेंट में या इवन यूनिवर्सिटी में समवन एल्स कैन आल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटी। तो ये काफ़ी, मैंने क्योंकि लास्ट टाइम भी कि मैं क्योंकि वहाँ पे रहा और मैंने काफ़ी लोगों का देखा, अगर मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स और कुछ दोस्त भी ऐसे गए थे जिन्होंने, जो ऐसे ही गए थे, फिर उन्होंने मास्टर्स किया और कुछ ने पीएचडी कर भी लिया और कुछ अभी कर भी लिया। तो एक बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यूरोप में अच्छी जगहों पर, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके परस्यू करना चाह रहे हैं। तो मैं दोबारा उसी बात की तरफ आता हूँ कि ये यूरोप का है। अमेरिका का ऐसे है कि GRE TOEFL का, शायद मैंने लास्ट टाइम बात की थी, मुझे अगर याद नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि GRE TOEFL, GRE करना पड़ता है आपको, GRE और TOEFL इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए, वो आपको दोनों करने पड़ेंगे GRE TOEFL। उसके बाद ना आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो कि जितना आपका GRE और TOEFL का स्कोर होता है ना, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो कि विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके साथ है, एक लेट्स एक सॉर्ट ऑफ बार्गेन, कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके उस बार्गेन में आपसे बार्गेन करती है या आप यूनिवर्सिटी से बार्गेन करते हो, ऐसे कह लें। तो जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी फिट आ गई, देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड परस्यू। तो USA में दोनों तरह के प्रोग्राम है, MS का भी है, MS लीडिंग PhD का भी है, और PhD के भी, आप दोनों के लिए परस्यू कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक और चीज़ थी जो मेरे ज़हन में नेम आपको बताता चलो होगी कि मैंने शायद GRE के किसी ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था GRE सिर्फ USA के लिए है। देखें स्पेसिफिकली तो GRE USA के लिए ही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे मिडल ईस्ट में, मैं जानता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं दुबई में या UAE में, सऊदी अरेबिया में काउस टैकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह शायद साउथ ईस्ट एशिया में भी शायद कुछ यूनिवर्सिटी, मुझे लेकिन श्योर नहीं है, मे बी सिंगापुर, यू कैन चेक। तो वहाँ पे भी दे आल्सो हैव दैट यू हैव टू डू GRE और TOEFL, या दोनों या कम से कम एक किया हुआ आपने, फिर आप उनके क्राइटेरिया पे आते हो व्हेन योर एप्लीकेशन बिकम एलिजिबल, मतलब आप इसके बगैर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ही नहीं कर सकते। तो इट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया कि आपने GRE TOEFL दोनों या कम से कम एक किया उसमें से।
काउस का मुझे श्योर है, और यूएई में भी कुछ यूनिवर्सिटी मुझे श्योर है उनका, कतर यूनिवर्सिटी का आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आप लोग चेक कर। और इस तरह से मैंने जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात की, यहाँ पे भी शायद चेक कर ले सिंगापुर या कोरिया ताइवान की कुछ यूनिवर्सिटी, मे बी दे आस्क फॉर वन ऑफ दीज। अमेरिका के अलावा भी कंट्रीज हैं, एक दो कंट्रीज हैं जहाँ पे या यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ना जी आर यू टोफल दे आस्क यू, बट टोफल तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग का, लेकिन जी आर ई आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है इकरा का, इकरा पूछ रही है कि आई हैव अ क्वेश्चन मैटर इफ वी आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम चाइना और फ्रॉम यूएस, इसका मुझे मीनिंग समझ में आया, इज दिस अ मिथ और ट्रुथ दैट यूएस इज बेटर देन चाइना फॉर पीएचडी। देखें इकरा, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि जो कंट्रीज एस्टेब्लिश हो चुकी है ना रिसर्च में, या जिनकी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो वो अभी भी एस्टेब्लिश्ड हैं। अभी जो ठीक है चाइना कंपीटिंग में है, कंपटीशन में है कि आ रहा है, लेकिन स्टिल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएस में हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ना तीन टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलटेक है और जॉर्जिया टेक है। तो अभी तक इन तीनों का जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, जब से बना हुआ है, तो आज भी वही स्टैंडर्ड है, इनको कोई अभी तक कम्पीट नहीं कर सका। इस तरह से स्टैनफोर्ड है, फिर येल यूनिवर्सिटी ऑफ येल है, और इस तरह से अगर आप यूके की तरफ आ जाएं तो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, इनके जो स्टैंडर्ड बन गए हैं तो वो इतना इजी नहीं है कम्पीट करना अभी तक। ठीक है पैरेलल यूनिवर्सिटीज आ गई हैं कुछ चाइना की और कंट्रीज़ की भी, जैसे सिंगापुर ने मर्ज किया है, जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मर्ज किया है, लेकिन स्टिल जिनका एक रैपर बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ की वो अभी भी है। तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होता है आपकी जॉब से, बल्कि पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ होता क्या है। आप ना एक प्रोजेक्ट आपने किया है, एक्जैक्टली लेट्स सेम प्रोजेक्ट, मोर लेस सेम प्रोजेक्ट इज रनिंग बाय अनदर प्रोफेसर और अनदर स्टूडेंट और ग्रुप इन यूएसए, और एक और स्टूडेंट है या आप हैं जो चाइना से कर रही है। अब होता क्या है, कंपटीशन कहाँ पे आता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जब आप पेपर सबमिट कर रहे हो ना, आपके कोई रिजल्ट आए हैं, पेपर लिखा सबमिट कर दिया, वहाँ पे आके ना, मैं ये अंदर की बातें हैं, कहनी नहीं मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ना बेनिफिट में होता है जिसने ना अच्छी यूनिवर्सिटी से वही पेपर सबमिट किया होता है, खासतौर पर यूएसए या यूरोप से। और मैंने नोट किया, पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ मैं, और लोगों को भी जानता हूँ ये होता है। तो ये थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो और एंड यू हैव वेरी गुड रिजल्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, फिर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन स्टिल अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरी एडवाइस यही है कि अगर किसी को यूरोप से या वेस्ट से अगर मिल जाती स्कॉलरशिप्स, तो बेहतर है आप वेस्ट की तरफ जाके, वेस्ट का मतलब है यूरोप या इंग्लैंड है या कनाडा अमेरिका है, वहाँ से ही जाके पीएचडी करें। चाइना को मैं ये कहूँगा कि चाइना को ना तीसरी चौथी ऑप्शन में रखें, पहली दूसरी ऑप्शन में ना रखें, मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन इन दी एंड मैंने बोल दिया, इतना मैटर नहीं करता। मैं एक लड़की को जानता हूँ, उसने चाइना से पीएचडी की फिजिक्स में, वो पाकिस्तान आ गई, उसके 15 पेपर थे, उसके बाद उसको यूरोप की एक है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट फेलोशिप पोस्ट डॉक की, उसको पोस्ट डॉक की वो फेलोशिप मिली थी, एंड शी वॉज दैट टाइम व्हेन आई वॉज इन डेनमार्क, शी वॉज देयर डूइंग पोस्ट डॉक इन जर्मनी। अभी मुझे नहीं मालूम 1.5 साल से कि वेदर शी स्टिल देयर और शी केम बैक टू पाकिस्तान, तो थोड़ा सा मैटर करता है बाकी। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसर्चर के ऊपर भी है कि आप किस क्वालिटी के रिसर्चर हो, किस क्वालिटी के रिसर्च आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिली जुली मैटर करती हैं। रिसर्च मैटर करती है, प्रोफेसर मैटर करता है जिसका आप काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी मैटर करती है, कंट्री मैटर करता है, सारी चीज़ें अपनी जगह मैटर करती हैं। इन द एंड यू हैव टू मेक द डिसीजन कि आपने किस तरफ जाना, तो इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है सलमान का अबाउट द स्कोप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन पीएचडी केमिस्ट्री। यार देखो ये टॉपिक में आ जाएगा, पीएचडी के टॉपिक है, क्योंकि हमारा एग्जैक्टली टॉपिक नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक अपनी जगह बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन किसी दिन लेट्स से सलमान इसको फिर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, या आप अलग से मुझे रब्ता कर लेना, आई विल टेल यू मोर डिटेल अबाउट दिस हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अच्छा, गुलाम उस्मान ने पूछा है कि सर विच कंट्री इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर एमएस लीडिंग टू पीएचडी ईजिली मिल सके। देखो बहुत सी कंट्रीज ऑफर कर रही हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ईजिली मिल सके एक अलग क्वेश्चन है। ईजिली का मसला नहीं होता, कंपटीशन है दुनिया में, आपने कम्पीट करना है, कोई चीज़ ना ऐसे नहीं है कि पड़ी हुई है बास्केट में या कहीं आपको मिल जाएगी। नो, यू हैव टू मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर दैट और मेक योर सेल्फ टू बी डिजर्व फॉर दी पोजिशन। तो आप अपने आप को उस क्राइटेरिया में ले आओ जहाँ पे वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आपको मिल जाएगी। इसे कि मैं ऐसे कहता हूँ, मिसिंग लिंक पूरे करना, कि आपके और स्कॉलरशिप के दरमियान में जो जो चीज़ें मिसिंग है ना, उनको पूरे करते जाएं। उसमें आपका सीजीपीए भी हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग हो सकती है,
कोई और चीज़ हो सकती है, पब्लिकेशन हो सकती है, एनीथिंग एल्स, जो जो मिसिंग लिंक है उनको पूरे करते जाए. वंस यू फुलफिल द मोर दोज मिसिंग लिंक्स, वो पूरे कर दिया आपने, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो फंडिंग मिल जाएगी. और दुनिया भरी पड़ी है, बहुत जगह पे है, तो ईजिली वाला मुझे नहीं पता इसके ईजिली का एक्जैक्टली मतलब क्या है, लेकिन आपने सिर्फ वो क्राइटेरिया को मीट करना होता है. वंस यू मीट द क्राइटेरिया यू विल गेट इट. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत से लोगों को मिले, हज़ारों लाखों लोगों को मिलता है, ऐसा मसला नहीं है इसमें. अच्छा जी,